आज जो गणवेशज कमेटी की मीटिंग थी उसमें टोटल 15 परिवार लगे हुए थे। 5 पुराने पेंडिंग थे और 10 नए परिवार थे। पुराने 5 में से 4 डिस्पोज ऑफ कर दिए हैं और 1 पेंडिंग है। और जो नए 10 थे उनमें से जो वो लगभग 15 में से टोटल हमने 12 परिवार आज डिस्पोज ऑफ कर दिए हैं। 3 पेंडिंग रखे हैं टोटल और बाकी उन पे भी जल्द ही जो पेंडिंग बचे हैं उनके इंक्वायरी करके डीसी मैडम को भी और मेरे को भी वो रिपोर्ट देने का काम करेंगे। और भी काफ़ी शिकायतें, चाहे वो पब्लिक हेल्थ से संबंधित थी, चाहे वो इरीगेशन से थी, चाहे बिजली बोर्ड से थी, चाहे PDUD से थी, चाहे पंचायती राज से थी, तो उन पर भी संज्ञान लेते हुए सभी अधिकारी को आदेश दिए गए हैं कि जल्द ही उन समस्याओं का निपटारा करने का काम करें। और यहाँ SC पब्लिक हेल्थ के 1 दिन के आदेश कर दिए गए हैं कि मंगलवार को 1 दिन वो यहाँ भी बैठने पर लोगों की समस्याएं सुनने का काम करेंगे, दादरी हेडक्वार्टर पर बैठने का काम। कोई पुरानी समस्या नहीं आई है अब की बार, नई समस्या है। लगभग पानी की जो वाटर वर्क्स की जो पब्लिक हेल्थ की समस्या थी लगभग वो सॉल्व कर दी गई है। कुछ कोई थोड़ी बहुत पेंडिंग है उनको भी कह दिया गया है, वो भी 3-4 दिन के अंदर निपटाने लगे। ऐसा कोई एक तरफा फैसला नहीं दिया गया, बिल्कुल रिपोर्ट के आधार पर फैसला दिया गया है। शिकायतकर्ता को सूचना दी गई थी, बाकायदा DC मैडम की माध्यम से सूचना दी गई थी। वो अगर कोई नहीं आए, वो संतुष्ट होगा तो वो नहीं आया। इसमें तो प्रशासन का या कोई गणवेशज कमेटी का इसमें तो कोई वो नहीं। उसकी बिल्कुल जिसने गलत रजिस्ट्रेशन करवाया है उसकी जांच की जाएगी और जो हमारे जो वंचित रह गए हैं उन अपने पोर्टल पे अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे और उन पर तुरंत प्रभाव से एक्शन लेकर के उनका जो स्थितिपूर्ति पोर्टल है उन पर उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। वो पहले कंप्लेंट डालेंगे, उस पर कंप्लेंट डालने के बाद उस पर जरूर हम एक्शन लेंगे। कोई सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।